अध्यक्ष महोदय, खंड एक, भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री फसल मंशा नहीं है, डोंट पुट द वर्ड इन योर माउथ, आई विल नॉट अलाउ इट। बैठे बैठे सीनियर आदमी हो और कमेंट कर रहे हो स्पीकर रहे, मैं कटारे जी आई विल नॉट अलाउ इट। ये इस तरह की परंपरा को मैं सहन नहीं करूंगा कि एक सीनियर लीडर अध्यक्ष के ऊपर बैठे बैठा कमेंट करे। आई विल नॉट अलाउ इट। I will not give this privilege to you. अध्यक्ष महोदय, खंड एक, भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत समस्या, त्रुटि, गलतियों, चूक हो जाने के कारण अतिरिक्त बीमा दावों के सृजन के निस्तारण हेतु समिति गठित की गई है। ऐसे प्रकरणों को उप कमेटी के समक्ष रखे जाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर समिति से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 17/9/2020, 5/2/2021, 6/4/2021, 19/5/2021 एवं 3/8/2021 को पत्र लिखे गए एवं SLBC द्वारा दिनांक 3/3/21/2021 एवं 15/6/2021 को कृषि से संबंधित योजनाओं की उपसमिति की आयोजित बैठक में भी विभाग द्वारा प्रकरण रखा गया। उपरोक्त पत्राचार की प्रतियां परिशिष्ट एक पर संलग्न है, परंतु SLBC द्वारा संबंधित वित्तीय संस्थान की टिप्पणी सहित ठोस प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए। राज्य स्तरीय बैंकर समिति से नागौर जिले के लिए खरीफ 2019 में 136 तथा खरीफ 2020 में 142 प्रकरण बाबत दिनांक 8/9/2021 को सूचित किया गया। इस प्रकार कुल 278 प्रकरण लंबित हैं, जिसकी विस्तृत सूचना राज्य स्तरीय बैंकर समिति से अपेक्षित है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत उनका परीक्षण कर प्रस्ताव राज्य सरकार की टिप्पणी सहित भारत सरकार को समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखे जाएंगे। खंड दो, चूंकि प्रकरण विभाग में निर्धारित प्रपत्र में एवं अभिशंसा सहित राज्य स्तरीय बैंकर समिति से प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः विभागीय स्तर पर किसी का दोष नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर जो विभाग की तरफ से दिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्या पोर्टल पर जो गलत प्रविष्टियाँ का जो अंकन हो गया उसमें संशोधन का राज्य स्तर पर कोई प्रावधान है? क्या कोई उप समिति का गठन किया गया है? यदि किया गया तो इसकी बैठकें कब कब हुई और उस उप समिति ने क्या क्या सिफारिशें की, मेरा पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये, जब पोर्टल में राज्य स्तर पर आपने जवाब दिया कि पोर्टल पर कोई संशोधन राज्य स्तर पर कर ही नहीं सकते, तो ये 17/6/2021 को आयुक्त कृषि ने मुझे एक पत्र, मेरे जो पत्र लिखा था उसके प्रत्युत्तर में लिखा गया कि अधिसूचित फसलों के लिए 7 दिवस में बीमा क्लेम संबंधित कृषकों के खाते में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करें, ये आदेश दिया इन्होंने। तो जब हम इसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकते, तो अभी कल ही संगोष्ठी इतनी बड़ी हुई, जन आकांक्षाएं, तो जन आकांक्षाएं यही बढ़ गई, ये अखबार में छप गया और लोग मेरे घर पर आके बैठ गए कि इसका मतलब आप नहीं कर रहे हो। तो अपने इसके अंदर जो भी हमारे जो लीगल इश्यू क्या है उसके अंदर ठोस हम क्या इसके अंदर कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न मेरा ये कि क्या ये उपभोक्ता न्यायालयों के अंदर ये किसान जा सकते हैं या नहीं जा सकते, यदि इनको उचित समय मुआवजा नहीं मिल पाया तो उपभोक्ता न्यायालयों में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि माननीय सदस्य ने जिस पत्र का हवाला दिया है वो मेरे पास भी है, और ये बात भी सही है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोर्टल को हम नहीं खोल सकते। ये जो भी गलतियां पूरे प्रदेश में और देश में हो रही है, ये यहीं क्या नहीं है, कई बार हमारे पास पूरे राजस्थान से शिकायतें आती है। और पोर्टल पे जो बैंक के डाटा एंट्री करता है तो उसमें कहीं खसरा गलत है, कहीं किसान का नाम गलत है, कहीं गाँव का नाम गलत है, ये समस्याएँ हमारे को जब पेमेंट किसान को होता है तो गाँव से लगातार ये शिकायतें मिलती आ रही है। हमने लगातार भारत सरकार को पत्र भी लिखे हैं, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठते हैं उस बात को देखते भी और सुनते भी, और हज़ारों प्रकरणों का निस्तारण भारत सरकार द्वारा किया भी गया समय समय पर। नागौर का जो ये प्रकरण है इसको मैंने गंभीरता से लेकर दिखाया, इसमें विभिन्न बैंक के जो नागौर के हैं, क्योंकि ये जो खरीफ
2019 में HDFC बैंक वहाँ कार्य कर रही थी और 2020 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने काम किया। इनकी जो डाटा एंट्री है उसमें विसंगतियाँ हैं। अभी अनान फनान में जब माननीय सदस्य ने संपर्क किया, पत्राचार किया, तो हमने उनको पत्र लिखा, तो उन्होंने एक लिस्ट भेजी हमारे को जो मेरे कार्यालय में मौजूद है। उसको हमने चेक कराया तो वो डाटा एंट्री भी ठीक नहीं थी। उसमें केवल एक कोड नंबर दे रखा है, न गांव का पता, न किसान का पता, न उम्र का पता, न कुछ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक कमेटी बनाई है हमारे विभाग द्वारा, 3 सदस्य, 15 दिन के अंदर वो नागौर का तो करेगी, उसके आगे आने वाले समय में पूरे राजस्थान के जो जिलों की शिकायतें हैं उसका निस्तारण वो कमेटी करके। अरे ये जो डाटा गलत इंद्राज हो रहे हैं, बैंकों से संपर्क करके, कंपनियों से संपर्क करके, जो इंश्योरेंस कंपनियां कार्य कर रही है उनको सबसे बैठ के मीटिंग करके हम लगातार इसको ठीक करवा भी रहे हैं। और नागौर के बारे में जो प्रकरण आपने लिया है उसका 15 दिन में निस्तारण कर हम भारत सरकार को भेजेंगे और पोर्टल पर जो कमियाँ रही है उसको फिर भारत सरकार निश्चित तौर पर दूर करेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अगला प्रश्न श्रीमती